बड़ी खुशखबरी, सीएम शिवराज ने एक क्लिक में 3,50,000 हितग्राहियों को दी बड़ी सौगात, खातों में 875 करोड़ ट्रांसफर। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए भोपाल की विशेष बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,50,000 हितग्राहियों को स्वीकृत नवीन आवासों के लिए उनके खाते में प्रथम किस्त की 875 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। संभवतः इतनी बड़ी संख्या में योजना के हितग्राहियों को देश में पहली बार राशि का अंतरण किया। अब तक 23,07,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। आज शुक्रवार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में भोपाल में दोपहर 12 बजे हुए इस कार्यक्रम में हितग्राहियों के साथ वर्चुअल संवाद भी किए। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना में अभी तक मध्य प्रदेश के लगभग 23,07,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को अपना घर मिला है। यह सभी ऐसे परिवार हैं जिनके पास घर नहीं था अथवा कच्चे जीर्ण शीर्ण घरों में निवास कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको आवास 2024 को ध्यान में रखकर प्रदेश में तेजी से आवास निर्मित कराए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अधिकांश जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के बावजूद जुलाई 2021 से 22 सितंबर 2021 को अल्प अवधि में सर्वाधिक 1,60,000 से अधिक आवास निर्मित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही कोरोना काल में भी अब तक 4,40,000 से अधिक आवास निर्मित किए गए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सबको आवास 2024 का लक्ष्य हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। आवासों के साथ कन्वर्जन के माध्यम से उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा मनरेगा की मजदूरी के साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया। एमपी की 3 पिछड़ी जनजाति सहरिया, बेगा और भारिया को भी विशेष परियोजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25,221 आवास स्वीकृत कर 23,261 आवास पूर्ण किए हैं। वर्ष 2021-22 में 23,928 आवास स्वीकृत कराए। उल्लेखनीय है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में विगत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए वर्चुअल समारोह में लगभग 1,75,000 आवास हितग्राहियों का सामूहिक गृह प्रवेश कराया। इसी क्रम में गृह प्रवेश द्वितीय में भी 1,25,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। अभी तक मध्य प्रदेश के लगभग 23,07,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए MP7 न्यूज।